अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंशियल सर्किट का एनालिसिस, यानी सीक्वेंशियल एनालिसिस विद टी फ्लिप फ्लॉप इन दी सर्किट। यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक सिंपल सर्किट गिवन है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास था कि हमने इनपुट आउटपुट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। दूसरा स्टेप था नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन। तीसरा स्टेप स्टेट टेबल एंड चौथा स्टेप था स्टेट डायग्राम। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे आउटपुट कॉम्बिनेशन सर्किट भी है हमारे पास। ये इनपुट कॉम्बिनेशन साइड है सर्किट की और ये आपके पास मेमोरी एलिमेंट है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारे पास जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनपुट और आउटपुट की इक्वेशंस फाइंड करनी है हमने। तो यहाँ पे हम टी ए की इक्वेशन देखते हैं या पहले हम टी बी की देखते हैं। तो टी बी डायरेक्टली कनेक्टेड है एक्स से, तो टी बी इज इक्वल्स टू एक्स। और टी ए इस एंड गेट के आउटपुट से कनेक्टेड है और इस एंड गेट का एक इनपुट एक्स है और एक इनपुट क्यू बी है। तो ये हो जाएगा एक्स डॉट क्यू बी, ठीक है। तो टी इज इक्वल्स टू एक्स डॉट क्यू बी, ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो दो और इसके होते हैं लाइक क्यू ए नॉट एंड क्यू बी नॉट, वो मेंशन नहीं किए क्योंकि वो इस वक्त हमें चाहिए नहीं। अच्छा, तो ये हमारे पास टी ए और टी बी की इक्वेशन है कि इसके बाद हम y की इक्वेशन देखेंगे। y में हमें पता है कि यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है और ये क्यू ए आ रहा है, यहाँ से क्यू बी आ रहा है। तो सिंपली क्यू ए डॉट क्यू बी हमने इजीली इक्वेशंस निकाल ली। अब हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है फाइंडिंग दी नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस। अब नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जरूरत होगी और साथ में हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल की जरूरत भी पड़ सकती है स्टेट टेबल लिखते हुए। तो ये हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है और ये हमारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यू ए टी प्लस वन इज इक्वल्स टू टी ए जोर क्यू ए टी। लाइकवाइज क्यू बी टी प्लस वन टी बी जोर क्यू बी टी। सिंपली हमने नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस भी निकाल ली, हमने इनपुट इक्वेशंस भी निकाल ली और आउटपुट इक्वेशन वाई की भी निकाल ली, ठीक है। अब हम जो है वो स्टेट टेबल की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने 8 कम्बिनेशन लिखे हुए हैं क्योंकि फिलहाल हम क्यू ए क्यू बी और एक्स को कंसिडर कर रहे हैं। 8 हमारे पास कम्बिनेशन आ गए। बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो स्टेट्स हैं वो इन टोटल 4 ही हैं, 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1। अब अगर हम टी ए की बात करें तो टी ए किसके इक्वल था, एक्स डॉट क्यू बी। तो 0.0, 0, 0.1, 0, 0, 1 इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। टी बी सिंपली एक्स के इक्वल था ओके। अब हम नेक्स्ट स्टेट जो फाइंड आउट करने लगे हैं, नेक्स्ट स्टेट में क्यू ए जो था वो किसके इक्वल था, टी ए जोर क्यू ए। इन दोनों का जोर करना है, इन दोनों का जोर यानी इस कॉलम की वैल्यूज और इस कॉलम की वैल्यूज का जोर करना है। जोर में क्या होता है कि जब भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं तो आपके पास आउटपुट में वन आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जब ऑड नंबर ऑफ वंस आएंगे तो आउटपुट में वन आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे वन आएगा क्योंकि ऑड नंबर ऑफ वंस है, वन वन है, वन इज ऑड। तो सिंपली यहाँ पे वन आ जाएगा, देन वन आएगा, देन वन आएगा, देन आपके पास वन आएगा, देन जीरो आएगा क्योंकि दो वन आ गए तो इवन नंबर आ गया तो जीरो आ गया, ओके। इसी तरह हम क्यू बी को कर लेंगे। क्यू बी कैसे करेंगे, टी बी इसको टी बी और क्यू बी को जोर करके हमारे पास क्यू बी की नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। बेसिकली जब हम जोर करते हैं, अगर हम जोर गेट का टेबल देखें तो उसमें जब भी हमारे पास एक वन होता है ना या आपके पास तीन वन होते हैं तो आपके पास आउटपुट में वन आ जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ भी 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 तो आपके पास इधर आउटपुट में जीरो है, इधर जीरो है, इधर वन है, इधर वन है, यहाँ पे आपके पास ऑड नंबर ऑफ वन आ रहा है। और लाइकवाइज अगर मैं
आठ वेरिएबल्स का टेबल बनाऊं, तो यहाँ पे आपके पास वन का आएगा, यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वन है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर आपके पास यहाँ पे आएगा। थोड़ी सी सिमेट्री मेरे से ख़राब हो गई। यहाँ पे आपके पास वन आएगा, देन आपके पास यहाँ पे वन आएगा, देन आपके पास यहाँ पे ज़ीरो आएगा क्योंकि इवन नंबर ऑफ वन है, देन आपके पास यहाँ पे वन आ जाएगा क्योंकि ऑड है, देन आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, देन आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, देन आपके पास वन आ जाएगा। सिंपली ये होता है कि एक रो में अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ वन हैं तो आपके पास आउटपुट में वन आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे आउटपुट वाई की इक्वेशन आपके पास कहाँ पे है, क्यू ए इंटू क्यू बी। सिंपली क्यू ए और क्यू बी को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आखिरी दो कॉलम्स रोज में वन आएगा क्योंकि यहाँ पे क्यू ए क्यू बी का जो एंड है वो वन देगा आपको, अदरवाइज बाकी हर जगह पे ज़ीरो आएगा। ओके, अब अगर हम इसका स्टेट टेबल बनाएं तो वो हम यहीं पे बना लेते हैं। सिंपली हमने बताया कि चार स्टेट्स हैं हमारे पास, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। 0 0 से किस स्टेट में जा रहा है, 0 0 में, जब आउटपुट ज़ीरो है, इनपुट सॉरी, जब इनपुट ज़ीरो है और आउटपुट भी ज़ीरो है, ठीक है। फिर 0 0 से 0 1 में जा रहा है जब इनपुट वन है और आउटपुट ज़ीरो है। स्टेट टेबल, अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप स्टेट टेबल की, स्टेट डायग्राम की वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि मैं स्टेट डायग्राम कैसे बना रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम 0 1 स्टेट से 0 1 में ही जा रहे हैं, तो हम सिंपली ऐसे एरो लगा देंगे। और इस ट्रांजिशन में इनपुट ज़ीरो था और आउटपुट ज़ीरो था, तो इनपुट हमने इधर लिख दिया और आउटपुट स्लैश लगा के आगे। फिर 0 1 से 1 0 में जा रहे हैं, ठीक है। इनपुट आपने वन लिख दिया और आउटपुट आपने ज़ीरो लिख दिया, 1 0। फिर 1 0 से 1 0 में जा रहे हैं, जब आउट इनपुट ज़ीरो था और आउटपुट ज़ीरो था। फिर 1 0 से 1 1 में जा रहे हैं, जब इनपुट वन था और आउटपुट ज़ीरो था, ये इनपुट था और ये आउटपुट था। फिर 1 1 से 1 1 में जा रहे हैं, जब इनपुट ज़ीरो था और आउटपुट वन था। फिर 1 1 से 0 0 में जा रहे हैं, जब इनपुट आपके पास ज़ीरो सॉरी इनपुट वन था और आउटपुट भी वन था। तो ये आपके पास स्टेट डायग्राम बन गई, ये आपके पास स्टेट टेबल बन गया, ये हमने इक्वेशंस निकाल ली। और यही था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।